हेलो अस्सलाम वालेकुम मस्ते केम छो केम नाचो बखैर आले सो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त आपका शेख उस्मान और आज मेरे साथ मौजूद है भाई फैजल। अस्सलाम वालेकुम। और भाई उमर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके तो दोस्तों जो आज की वीडियो है ये भी एक सब्सक्राइबर की डिमांड है जिसके डिमांडर का नाम है आरटी सईद। तो इन्होंने डिमांड की है टॉप 10 बेस्ट मॉडिफाइड टाटा नैनो। तो टाटा नैनो के बारे में कोई नॉलेज है आपको पहले? नहीं, इंडियन गाड़ी है। हां चलिए देखते हैं। मॉडिफाइड हुई है? टाटा कंपनी का नाम है नैनो जो है ना गाड़ी है। अच्छा रूफ टॉप ठीक है। नहीं ये भी अच्छी मॉडिफिकेशन है। एक छोटी गाड़ी में इस तरह की लुक लेके अपना तो पॉसिबल है। स्टीयरिंग भी मॉडिफाई हुआ है इसका। टेल लाइट भी मॉडिफाई है। टू बॉक्स मॉडिफाइड बट JBL तकरीबन 1.5 लाख की मॉडिफिकेशन है। बॉडी के टूल लगा के जिसकी बनी हुई कुछ खास नहीं इतना सारी वर्किंग मुझे भी नहीं पता है। रूप टॉप वाली मुझे काफी अच्छी लगी थी। मक्खन बटर बटर वाला मोड की है 70 लाख की मोड की थी। डिस्प्ले की मॉडिफिकेशन हुई है इसमें। ये भी मिलिट्री कार के 1.1 लाख की मिलिट्री मांडो कलर किया हुआ। मांडो कलर की ये नाम दे रही है। उसी ने अंदर से भी उसके लैंडिंग सीट वगैरह उसके लिए पे हुआ खर्चा हुआ। बम्पर चेंज है। लाइट्स को थोड़ा सा कम किया। बम्पर भी ये तो ट्रांसफॉर्मर का करेक्टर है। कुछ इसी तरह के लोग भी होगा। ट्रांसफॉर्मर में नहीं है कमालों वाला। हाँ इसी तरह के कुछ लंबे जुटे लोग भी हुए। लाइटें भी वैसी ब्लू डाली हुई है जैसे बम्पर की थी। नैनो लक्स तो डीसी डिजाइन और डेविड चौधरी कंपनी है। डीसी के रेटियो मोटर्स काफी अच्छी है। वहां पे काफी उसकी लग रही है मजे की एज की है। ये बहुत अच्छी है पसंद आई है। सिंपल सी है ना। सिंपल सी है। उसको बॉडी किट लगी हुई है बम्पर कंपर यह मुझे बहुत पसंद आ रही है। सारी बॉडी किट लगी हुई है। ऊपर से कलर कॉन्ट्रास्ट देखा है ब्लू और ब्लैक ब्लैक बैटमैन
ये भी अच्छी है यार। चेंज है उसके, वो फॉग लैंप्स देखे, फॉग लैंप्स भी थोड़ा बहुत उसके साथ मिलकर कलर कर रहा है। बैटमैन वाली नहीं पसंदी था यार। अंदर से वो रेसिंग स्टेयरिंग है, नाइट्रस के बिना भी कुछ नहीं चला हुआ। बंपर चेंज है, डेकर आपको टायर ड्रैग रेस और वो ड्रिफ्ट करने जा रहे हैं। मैं ये एंजॉय किए, मैं लाइक करूंगा। काफी अच्छी थी यार, अच्छी थी। ये जो फर्स्ट नंबर पे आई है इसने पैसे भी काफी लगाए, लेकिन मजा, लेकिन बाकी उसकी मॉडिफिकेशन अच्छी थी। अच्छी थी। अच्छा तो सबसे पहले तो पूछते भाई फैसल, भाई फैसल आप बताओ इसमें आपको क्या चीज अच्छी लगी है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि इंडियन कंट्री ने जो अपनी जो गाड़ी यानी कि प्राइस लेस वाली जो इंट्रोड्यूस की है ना, लेस प्राइस वो जो कम रेट वाली होती है, ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है उनकी। अपनी कंपनी है उनकी इंडिया की, टाटा मोटर्स। बिल्कुल टाटा मोटर्स जो है ना, वो इसमें तकरीबन दो गाड़ियां मुझे बहुत पसंद आई, एक मिलिट्री और एक जो है वो बैटमैन वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई। एक और चीज है कि आजकल की यंग जनरेशन जो होती है ना, वो यानी कि ये सिंपल गाड़ी होती है, इसको मॉडिफाइड करके ना इसके ऊपर 60-70,000 जितने भी लगा लें उसको तैयार कराते हैं अपनी मर्जी से और बहुत खूबसूरत उसको बना देते हैं। यानी कि आजकल का जो शोक है, और एंड पे मैं ये कहूंगा कि इंडियन कंट्री में मुझे ये चीज बहुत पसंद है कि उन्होंने अपनी कंपनी जो है ना वो इंट्रोड्यूस की हुई है दुनिया में। उन्होंने बताया कि हमने अपने जनरेशन के लिए जो खुद गाड़ी तैयार की है। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ऐसा स्टेप होना चाहिए। पाकिस्तान में हुआ है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में लड़कों ने मनाई है। हमारी हां ना तो इंट्रोड्यूस मेरा गाड़ी से वो स्टार्ट पर मारा ना, जो इंडियन के मुकाबले में बहुत फर्क है। मेरान भी यहां पे सस्ती नहीं है, काफी महंगी महंगी होगी और भी ज्यादा। बाकी यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं उस्माने जैसे बात की है, लेकिन हमारे यहाँ भी ना कुछ गाड़ियां बनानी है, अपनी कंपनी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि ताकि वो हर यानी कि आम बंदे के लिए आसानी पैदा हो जाए वो गाड़ी लेने के लिए। तो भाई उमर आप बताओ आपके कहना चाहोगे? मुझे यार जो सबसे अच्छी गाड़ी लगी है एक ही लगी है, ठीक है, वो जो फर्स्ट नंबर पे आई है थी, ठीक है ना, उसकी यार जो मॉडिफाई हुई हुई थी कमाल थी। उसके लाइरिम को वैसे ही मैं कहता हूँ कि गाड़ी पास हो जाती है, ठीक है। और बाकी शोक की बात होती है, ठीक है, इसने कितने पैसे लगाए लेकिन नजर आ रहे हैं कि पैसे लगे हुए हैं। बाकी गाड़ी में 50,000-70,000 लगा हुआ है, ठीक है, इस पे 2.5 2.5 लाख तकरीबन, ठीक है, लेकिन वो 2.5 लाख नजर आ रहा है, 2.5 लाख लगा है। बिल्कुल यही बात, ठीक है ना, वो शोक का कहते हैं कोई मूल नहीं है। जिस बंदे को शोक हो वो खर्चा कर देता है, उसे नहीं परवाह होती लोग पसंद करे ना करे, उसने अपने पसंद के लिए की है चीज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी को देख के ना, मतलब आप अगर उसने पैसे लगा दिए, मैं लगाऊं कोई लगाए, ठीक है, उसको डिस्कर्ड ना करेगा। बिल्कुल सही बात है, उसने काफी मेहनत से इसको, ठीक है, पास करने के लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी ये रेसिंग के लिए नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि जो लोगों को शौक होता है मॉडिफाई गाड़ियां कर ली या कुछ भी कर लिए, शौक होती है ऑटो शो होते हैं, वहां पर जाकर जो प्राइस मिल जाए, गाड़ी का नाम निकला था कि यार ये मेरी गाड़ी है। सिंपल सी बात है कि शौक का कोई मूल नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। बाकी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस कंपनी को, टाटा को, ठीक है, मुझे नहीं पता था, लेकिन यार गाड़ी बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद, फैमिली कार है, बहुत प्यारी है, छोटी है, तो छोटी चीज वैसी ठीक होती है, मजा हो जाती है, तंग गलियों में चली जाती है, रश से निकल जाती है, बजाय इसके बंदा बड़ी गाड़ी लेकर जाकर फंस जाए उसमें। सही बात, ठीक है। अच्छा उस्मान आप बताओ आपको क्या पसंद आया इसमें? जेबीएल वाली गाड़ी, म्यूजिक लवर, ठीक है। उसके बाद नंबर वन वाली भी और बैटमोबाइल भी, सॉरी बैटमैन नंबर वन वाली, JBL, चौथे नंबर पे एक और थी जिसको ब्लैक और ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ, हाँ। वो भी मेरी कुछ काफी वो भी काफी, ये वैसे भी म्यूजिक को लाइक करता ना, इसलिए इसने वो सुनता भी इंग्लिश गाने ना, वो तो काफी अच्छी लगी वीडियो। यार बताऊं क्या मॉडिफिकेशन बंदा करते हैं अपनी पसंद के लिए, ठीक है, आप लोगों को नहीं देते कि लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं करते, लोग जो मर्जी करें, आपको पसंद है आप उसको ठीक है करो,
अब मुझे पसंद है वीडियोस बनानी, अब कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग डिस अप्रिशिएट करते हैं, मैं बना रहा हूँ फिर बना रहा हूँ क्यों मेरा शौक है ठीक है। तो इस टाइम आएगा जो तुम्हें कहते हैं कि ना बनाओ, तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वही तुम्हारे साथ बैठने के लिए सारी बात है ठीक है। तो यही बात है, तो जिसने जितनी भी मैंने इसमें गाड़ियां देखी सब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, काफी अच्छा लगा कि इतनी मतलब कि छोटी सी गाड़ी को ऐसी ऐसी लुक दी हुई कि दिल एक बार ना आके उन गाड़ियों पे, ऐसी बात ठीक है। तो काफी अच्छी लगी वीडियो यार, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मैं डिमांड था जिसने हमें ये वीडियो दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये वाली वीडियो दी है। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह बात करने की सॉरी, जल्दी हम पाकिस्तान की मॉडिफाइड गाड़ियां टॉप 10 वो दिखाएंगे इंशाल्लाह, जरूर वो भी दिखाएंगे। पाकिस्तान में भी ये शौक पाया जाता है लड़कों में, मोस्टली यंगस्टर में है जो इनमें भी हमारे यहाँ करते हैं लड़के ऑटो शो होते हैं जो बिल्कुल ठीक है, बड़े शहरों में लाहौर कराची इस्लामाबाद वगैरह में तो काफी जबरदस्त गाड़ियां आती हैं, इंशाल्लाह दिखाएंगे वो सारी चीजें, तो उम्मीद करते हैं इनको पसंद आएंगे ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो इस साइड के नीचे एक लाइक का बटन आ रहा है काइंडली उसको टच कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो वीडियो के नीचे इस साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा प्लीज उसको भी टच कर लीजिएगा, जब उसको टच कर लेंगे उसके साथ एक आ जाएगा बेल आइकन प्लीज उसको भी टच कर लीजिएगा, ताकि आगे से हम जो भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप इसी तरह हमारी वीडियो देख के हमारे साथ प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ाते रहे। चले जी फिर ठीक है, हमारे जाने का वेला आ चुका है, डिमांड कुछ लोग डिमांड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अपनी करेंगे, उसके नीचे आप अपने रिव्यू दें, इसके नीचे अपने रिव्यू दें ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो आप दें, रिव्यू लाजमी देना आपने ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इनको अपने पाकिस्तान की मॉडिफाई हुई गाड़ियां दिखाते जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कल या परसों तक वो काम करें। तो बाकी अगर आपकी कोई डिमांड है, अच्छी डिमांड है ठीक है, वो हमारे साथ शेयर करें, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक हमें और हमारे दोस्तों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।